वक्त हमारे साथ सदर विधायक प्रसन्न चौधरी मौजूद है। 7 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन व डीएम जसजीत कौर का घेराव करेंगे, उसी को लेकर क्या तैयारियां इनकी चल रही है उससे बात करते हैं। सर, क्या तैयारी आपकी चल रही है? हाँ, अभी अभी हमने अपने आवास पर मीटिंग करी है और हम गांव-गांव जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान उस दिन मौजूद होंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, विधायकगण और किसान भाई 7 तारीख को जिलाधिकारी महोदय का घेराव करके आंदोलन करेंगे। और ये किसान और ये राष्ट्रीय लोकदल तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक किसान को किसान का हक नहीं मिल जाएगा, चाहे कितना भी संघर्ष राष्ट्रीय लोकदल को क्यों ना करना पड़े। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसान और मजदूर की आवाज़ उठाता आया है और जब तब भी किसान और मजदूर पर कोई जाति हुई है तो राष्ट्रीय लोकदल ने उस जाति का डटकर मुकाबला करा है, चाहे वो घटना लखीमपुर खीरी की हो और चाहे घटना हाथरस की हो, चाहे घटना सहारनपुर की हो और चाहे अब किसानों का भाव घोषित करने वाली बात हो और चाहे अब इन आवारे पशुओं से निजात दिलाने वाली बात हो और चाहे अब पिछले सत्र का पेमेंट करने वाली बात हो, राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेगा और इन किसानों के साथ मरते दम तक अड़ा रहेगा और इस सरकार, गुंगी सरकार के कानों में आवाज़ को बुलंद करेगा और एक न एक दिन इस सरकार को इन किसानों की बात माननी पड़ेगी। अच्छा विधायक जी, एक बात बताइए, लगातार जो है आपके जो कार्यकर्ता हैं वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन अभी तक क्यों निस्तारण नहीं हो पाया? क्या लापरवाही अधिकारियों की है, प्रशासनिक अधिकारी है या ऊपर से कुछ है? इस सरकार का सौतेला व्यवहार है किसानों के साथ, ये हमेशा मजदूरों के साथ ये हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। आप बजट की बात उठा के देख लो, किसानों के साथ धोखा हुआ है। बजट की बात उठा के देख लो, मजदूरों के साथ धोखा हुआ है। पिछला 5 साल पहले किसान सम्मान निधि चालू करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन महंगाई दुगनी हो चुकी है और जो ये कहते थे कि भाई किसान की आय दुगनी होगी, वो आय चौथाई रह गई है, लेकिन उस किसान सम्मान निधि में इन्होंने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। किसानों के साथ धोखा किया है और तो और यहाँ तक हो रहा है, वो 11.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिलनी थी लेकिन 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम आ गया था, उनको एक पैसा उनके खाते में नहीं आया। मजदूर भी त्रस्त है। मैं मजदूर की बात भी आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, जो मनरेगा की योजना सरकार की आई थी वो पहले 100 दिन की हुए करे थी, फिर वो 50 दिन 47 दिन की हुई। अब इस सरकार ने उस मनरेगा का बजट भी 34% घटा दिया है और वो उन मजदूरों को केवल 27-28 दिन का ही रोजगार दे पाएंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि किसान मजदूर समर्थित सरकार यहाँ नहीं है। अच्छा, लगातार जो है कार्यकर्ता मिल भी रहे हैं तो कितनी संख्या में किसान आने की उम्मीद है, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन आपकी चेतावनी है? लगभग 5 से 10 हज़ार किसान यहाँ उस दिन इकट्ठा होगा। अगर फिर भी आपकी बात नहीं मानी जाती फिर क्या करेंगे? हाँ, दूसरा प्रोग्राम है, यदि सरकार नहीं बात मानती तो 27 फरवरी को हम प्रदेश की सभी कमिश्नरियों का घेराव करेंगे और उसके बावजूद भी यदि ये गुंगी बहरी सरकार नहीं जागती, इसके कानों में जूम नहीं सिलसिलाती, तो उसके बाद मार्च में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों की बातें मांगी नहीं जाएगी। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, जिनका कहना है कि सरकार गूंगी बहरी है क्योंकि लगातार किसानों के इतना प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।